हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बच्चों, ये आपकी मैथमेटिक्स की क्लास फर्स्ट की बेटा वर्कशीट है, जिसका हमारा नंबर है 113 और जो हमारी डेट है वो है 20 नवंबर 2020। इसमें क्या है, आज हम गुड़िया के लिए माला, हमारी जो गुड़िया है उसके लिए हम आज एक माला तैयार करते हैं। कैसे कि साक्षी और पढ़ते हैं कि साक्षी और उसके दोस्तों को घर घर खेलना और अपनी गुड़िया के लिए कपड़े और माला बनाना बहुत पसंद है। आज सभी दोस्त वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो कॉल क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है। इसमें क्या है, हमें अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। तो अगर हमारे पास सुविधा है कि हम वीडियो कॉल से बात कर सकें तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आज सभी अपनी गुड़िया के लिए अलग अलग तरह की माला बनाते हैं और फिर एक दूसरे को फ़ोन पर दिखाएंगे। सभी दोस्त अपने अपने घरों में मोती ढूंढने लगे। क्या है, ढूंढने लगे। सभी ने अपनी मम्मी से मोती और धागा ले लिया, क्योंकि मम्मी को ही पता होता है कि सुई धागा कहाँ रखा रहता है, और माला बनाने की तैयारी करी। क्या आप गुड़िया के लिए माला में मोती पिरोने में दोस्तों की मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमें तो हमेशा सबकी क्या है, मदद करनी चाहिए, ये हमारी बहुत अच्छी आदत होती है। अब क्या है, दोस्त राहुल माला में मोती कितने पिरोएगा? वो 10। तो हमें जो हमारी धागा है उसमें हमें क्या है, मोती पिरोने हैं हमें 10, ठीक है। हम 10 मोती लगाएंगे, एक मोती हम रंग बिरंगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। ये मेरे क्या है, 10 मोती मैंने पिरो दिए, ठीक है। ऐसे ही साक्षी भी क्या है, माला बनाना चाहती है, लेकिन उसके पास कितने हैं, 12। तो हमें क्या है, 12 मोती पिरोने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारा 12, ठीक है। हमने माला में कितने मोती पिरो दिए, 12। आप रंग बिरंगे भी पिरो सकते हैं, आप रंग बिरंगे भी बना सकते हैं, या आप एक एक ही जैसे मोती के भी बना सकते हैं। बेटा ये आप यहाँ से बना ले, देख के आपको ऊपर वाले में कितने पिरोने हैं 10 और नीचे वाले में कितने पिरोने हैं 12, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, मैं रब कर रही हूँ इसको। अब दीक्षा के पास कितने हैं, 15। इसको क्या है, अपने 15 मोती बनाने। अब हम एक ही रंग के बनाएंगे, अब हम ले लेंगे लाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है। तो हमने क्या है, 15, 15 मतलब हमने अपनी माला में मोती पिरो दिए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, आशीष, आशीष के पास कितने मोती है, 14, 14, हाँ मतलब 14। तो हमें 14 लगाने हैं। ये भी हम एक ही कलर के बनाएंगे, हम नीले रंग के बनाएंगे। अब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। हमारी माला में कितने पहुँच गए, 14, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आप देख के अपनी माला में, आपको ये बस ये याद रखना है कि हमें यहाँ पे जितने दे रखे उतने माला में मोती लगाना है। यहाँ पे 15 है तो 15 आएंगे, यहाँ पे 14 है तो 14 आएंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या है, हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को बताएं कि सुई, कैंची या माचिस की डिब्बी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी ही निगरानी में ही करें। क्यों? क्योंकि बच्चा जो कैंची होती है वो आप देखते होंगे कि बहुत ही पैनी होती है, शार्प उसके एजेस होते हैं, वो अगर कहीं भी लग जाए तो आपके क्या है, आपका हाथ कट सकता है, बाई चांस आप कपड़े भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, उससे हमें चोट भी लग सकती है। सुई तो बहुत ही पतली होती है, वो कहीं गिर जाए तो, कहीं हमारे चुभ जाए तो हमारा को नुकसान हो सकता है। और माचिस जैसी चीज़, जैसे माचिस क्या है, माचिस क्या पता है ना आपको, माचिस क्या करती है, आग लगा देती है। बाई चांस आपने कहीं गलती से कुछ कर दिया, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो उससे क्या आग लग सकती है, ठीक है। तो बच्चे ये अगर आपको कुछ इनसे कुछ काम है तो अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी आपके दादा दादी मम्मी बुआ उनके साथ क्या है, ये काम कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपकी बेटा आज की फर्स्ट क्लास की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और मुझे लगता है कि आपको जरूर पसंद आई होगी।
और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स रिक्वेस्ट एंड ये आपकी तरफ से हमारी गुरु दक्षिणा होगी। तो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और बच्चों हमेशा खुश रहिएगा और COVID-19 से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रखिएगा। उनमें अवेयरनेस फैलाओ के हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, 2 गज दूरी का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और सोप से क्या है धोने चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। चलो बच्चों बाय, हमेशा खुश रहिएगा।